हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 लाइट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए स्टूडेंट्स, जिन्हें हमें फिल करना है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती, ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती, ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर है वर्चुअल इमेज। तो यहां पर आप लिखेंगे वर्चुअल इमेज। इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि आप एमओएस क्लास 7 साइंस के इस चैप्टर की कीवर्ड्स की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इन कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज क्या होती है, ऐसे ही रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाते हैं, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह की इमेज बनाते हैं। कीवर्ड्स की वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उस वीडियो में सभी कीवर्ड्स को हमने डायग्राम्स की मदद से और बहुत इजी मेथड से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। बी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा कॉन्वेक्स मिरर या लेंस होता है जो हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है। तो यहां पर हमारा सही आंसर है मिरर। तो यहां पर हम लिखेंगे मिरर। और अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है। सी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वह कौन सा मिरर है जो हमेशा उसी साइज की इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर हमेशा उसी साइज की इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो यहां पर सही आंसर है प्लेन। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लेन। डी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन सकती है, ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन सकती है, ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे रियल। ई पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि वो कॉनकेव मिरर होता है या कॉनकेव लेंस होता है जो स्क्रीन पर इमेज नहीं बनाता है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो स्क्रीन पर नहीं बनती। तो यहां पर सही आंसर है लेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंस। और अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी कि कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बड़ी और सीधी इमेज बनाता है। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज्ड इमेज यानी कि बड़ी इमेज नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स।
बी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, यानी कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। सी पार्ट में हमसे कहा गया है, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है ये रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रियल इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बनाई जा सकती है, एनलार्ज्ड यानी कि बड़ी इमेज, और इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है उल्टी इमेज। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। डी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पर बन सकती है, जबकि यहां पर हमें दिया गया है कि रियल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। ई पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, यानी कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत पास लेकर आते हैं तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि यहां पर हमसे ये कहा गया है कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम टू। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें कॉलम वन के आइटम्स को मैच करना है कॉलम टू के आइटम्स के साथ। कॉलम वन में हमें दिया गया है अ प्लेन मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव लेंस। कॉलम टू में हमें दिया गया है Used as a magnifying glass, can form image of objects spread over a large area, used by dentists to see enlarged image of teeth, the image is always inverted and magnified, the image is erect and of the same size as the object, the image is erect and smaller in size than the object। यानी कि कॉलम वन में हमें पांच आइटम्स दिए गए हैं और कॉलम टू में सिक्स आइटम्स दिए गए हैं। कॉलम वन में ए पार्ट है अ प्लेन मिरर, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फाइव, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है और उसी साइज की इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। बी पार्ट है अ कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन टू, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स मिरर एक बड़े एरिया को कवर करके उसकी एक छोटी इमेज बना लेता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से ड्राइवर पीछे से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से देख पाता है। सी पार्ट है अ कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किया जाता है। डी पार्ट है अ कॉनकेव मिरर, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट्स टीथ को जूम करके देखने के लिए, यानी टीथ को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं। ई पार्ट है अ कॉनकेव लेंस, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सिक्स, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कॉनकेव लेंस इरेक्ट इमेज बनाता है यानी कि सीधी इमेज बनाता है, और ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में स्मॉलर यानी कि छोटी इमेज बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर।
यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। और अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है। तो फर्स्ट आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जो मिरर के पीछे की तरफ बनती है, और इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधी इमेज। सेकेंड आंसर है बिहाइंड द मिरर। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे की तरफ बनती है। थर्ड पॉइंट है द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। फोर्थ पॉइंट है द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में जब इमेज बनती है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होता है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आप प्लेन मिरर के सामने 2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो आपका और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो आपकी जो इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनेगी उस इमेज और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 मीटर होगा। फिफ्थ पॉइंट है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का यह मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो आपकी राइट साइड प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड नजर आती है और आपकी लेफ्ट साइड प्लेन मिरर में राइट साइड नजर आती है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नॉन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत से लेटर्स को अगर हम प्लेन मिरर में देखें तो हमें वो लेटर्स वैसे नजर नहीं आते जैसे वो लेटर्स रियलिटी में होते हैं। तो यहां पर हमसे ऐसे अल्फाबेट ऐसे लेटर्स के बारे में पूछा गया है जो प्लेन मिरर में देखने पर भी हमें वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो रियलिटी में होते हैं। तो इसका आंसर है ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये सब वो लेटर्स है स्टूडेंट्स जो प्लेन मिरर में देखने पर भी हमें वैसे ही नजर आते हैं जैसे ये लेटर्स रियलिटी में हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो इसका आंसर है इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वो इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती है ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। आपके घरों में जो मिरर होते हैं स्टूडेंट्स वो प्लेन मिरर होते हैं। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो ऐसे दिखती है जैसे कि वो मिरर के पीछे बन रही है। तो इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। यानी कि हमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में टू डिफरेंसेस बताने हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स थिक एट मिडल थिन एट एजेस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस मिडल में थिक यानी के चौड़ा होता है और एजेस यानी किनारों पर थिन यानी के पतला होता है। यानी एजेस पर कॉन्वेक्स लेंस की चौड़ाई कम होती है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डायग्राम भी समझाए हैं स्टूडेंट्स। आप उस वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डायग्राम्स को भी देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस का पहला पॉइंट है थिन एट मिडल थिक एट एजेस।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉनकेव लेंस मिडल में थिन होता है, यानी कि मिडल में कॉनकेव लेंस की चौड़ाई कम होती है और कॉनकेव लेंस एजेस यानी किनारों पर थिक होता है, यानी एजेस पर कॉनकेव लेंस की चौड़ाई ज्यादा होती है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा पॉइंट है, कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉनकेव लेंस का दूसरा पॉइंट है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज, यानी कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। एट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमें एक यूज कॉनकेव मिरर का बताना है और एक यूज कॉन्वेक्स मिरर का बताना है। तो कॉनकेव मिरर का यूज यहां पर हम लिखेंगे यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी टीथ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डेंटिस्ट्स हमारे दांतों को चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लिखेंगे यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है, जिसकी मदद से ड्राइवर पीछे से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से देख पाता है। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियर इमेज, वो कौन सा मिरर होता है जो रियर इमेज बना सकता है। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, यानी कि वो कौन सा लेंस होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 11 to 13। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ, फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, सेकेंड ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, थर्ड ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर और फोर्थ ऑप्शन है प्लेन मिरर। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बना सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, और जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो ये इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन टू, कॉनकेव मिरर। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत पास लेकर आते हैं तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। 12th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, यानी कि डेविड प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 meters। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मिरर और इमेज के बीच में 4 meters का डिस्टेंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इमेज मिरर के 4 meters पीछे की तरफ बन रही है। इफ ही मूव्स 1 meter टुवार्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है 3 meters, सेकेंड ऑप्शन है 5 meters, थर्ड ऑप्शन है 6 meters और फोर्थ ऑप्शन है 8 meters। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर डेविड मिरर की तरफ 1 meter आगे बढ़ता है तो डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्या यह डिस्टेंस 3 meters होगा या 5 meters होगा या 6 meters होगा या 8 meters होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 6 meters। यानी कि अगर डेविड मिरर की तरफ 1 meter आगे बढ़ता है तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 6 meters होगा।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 मीटर है? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप प्लेन मिरर के आगे जितने भी डिस्टेंस पर खड़े होते हैं तो आपकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेन मिरर के आगे 4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के पीछे 4 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। तो आपके और आपकी इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 8 मीटर। 4 मीटर तो वो डिस्टेंस है जो आपके और मिरर के बीच में है, और 4 मीटर का डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज के बीच में, तो आपके और आपकी इमेज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस होगा। और इस क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया था कि इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर था, यानी कि डेविड पहले मिरर के सामने 4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था, इसीलिए उसकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे 4 मीटर के डिस्टेंस पर बन रही थी। तो अगर पहले केस को देखा जाए तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद डेविड मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ा, इसका मतलब अब डेविड और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 3 मीटर। और अब डेविड की जो इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी? 3 मीटर के डिस्टेंस पर। और अभी हमने आपको बताया कि जितना डिस्टेंस डेविड और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा, यानी कि इमेज मिरर के पीछे 3 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। तो डेविड और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। इसीलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, 6 मीटर। 13th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, यानी कि एक कार में प्लेन मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया गया है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ड्राइवर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार को रिवर्स कर रहा है, यानी कि कार को पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्राइवर कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो ड्राइवर को कार के रियर व्यू मिरर में कार के पीछे की तरफ पार्क किए गए ट्रक की इमेज दिखाई देती है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपियर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी ऑप्शन 1, 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2, 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3, 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्राइवर कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो कार के रियर व्यू मिरर में ट्रक की जो इमेज होगी वो किस स्पीड से कार की तरफ बढ़ रही होगी? क्या ट्रक की इमेज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार की तरफ बढ़ रही होगी, या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सही आंसर 2 मीटर पर सेकेंड है? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप प्लेन मिरर के सामने होते हैं तो जिस स्पीड से आप मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं उसी स्पीड से आपकी इमेज आपकी तरफ आगे बढ़ती है। तो इस केस में भी यही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कार में प्लेन मिरर को यूज किया गया है एज अ रियर व्यू मिरर, तो अगर कार 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रक की तरफ मूव करेगी तो ट्रक की जो इमेज है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही कार की तरफ मूव करेगी। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।